ये जिला परिषद का एस्टीमेट है, जिला परिषद परभनी। ये उसका सब डिवीज़न है, ये नेम ऑफ वर्क है, ये उसकी योजना है और ये उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इससे पहले के वीडियो में हमने एस्टिमेट में कौन कौन सी शीट होती है उसे इस एक्सेल शीट में बनाया था। आज हम इस एस्टिमेट का एक आइटम मेजरमेंट शीट में बनाएंगे। तो देखिए, पहली शीट जो हमारी है ये कवर शीट या फ्रंट शीट है, दूसरी जो शीट है ये फंड हेड शीट है, उसके बाद जनरल रिपोर्ट है, इसे जनरल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसके बाद रिकेपिटुलेशन शीट है जिसे जनरल अब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट शीट होती है और अब्स्ट्रैक्ट के बाद आती है हमारी मेजरमेंट शीट। तो ये जो मेजरमेंट शीट है इसका एक आइटम हमको बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PWD का SSR नंबर है इस आइटम का वो 50.54 है। इसे समझने के लिए हम 50.54 बोलेंगे और ये जिस तरीके से डायमेंशन लिखा हुआ है सेम डायमेंशन हम उसे टाइप कर देंगे। तो ये पहला आइटम हम अब हमारी एक्सेल शीट में बनाएंगे। इसका SSR नंबर है 50.54 और ये डायमेंशन है, ये उसकी क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी है और ये यूनिट है। तो आज सिर्फ हम मेजरमेंट शीट का ये आइटम नंबर एक को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मेजरमेंट शीट है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। काम की शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पेज बॉर्डर होना चाहिए। तो देखिए, ये पेज लेआउट है, ये साइज़ है और ये A4 का पेपर है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसकी वजह से देखो यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, और अगर आप बॉटम में देखेंगे तो ये बॉटम में भी लाइन आ चुकी है। ये हमारा पेज सेटअप हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये मार्जिन है, हम इसे नॉर्मली रहने देंगे और यहाँ कस्टम पर जो कस्टम मार्जिन है इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये सेंटर में होता है, और अगर मैं इसे निकाल दूँ तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो ये सेटिंग हमें बार बार करनी नहीं पड़ती है, ज़रूरत के मुताबिक हम करते हैं। तो ये सेटिंग हम रोज़ रोज़ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, सिर्फ हमें हॉरिजेंटली किया है, ओके करते हैं। देखिए, ये जो एक दो है, 1 2 3, इसे रो कहते हैं, और ये जो ABC है इसे कॉलम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ रो को या कुछ सेल को छोड़कर यहाँ पे टाइप करता हूँ आइटम नंबर। आइटम नंबर टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे इस एस्टिमेट के मुताबिक, देखिए पहले आइटम नंबर आ रहा है तो फिर डिस्क्रिप्शन लगता है। तो ये मेरे पास SSR है और ये डिस्क्रिप्शन के लिए देखो यहाँ पर हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे डबल क्लिक करना है और कंट्रोल वी करना है, बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बी कॉलम है, इस कॉलम के देखो एकदम यहाँ पर लाइन पर अगर मेरा कर्सर है तो किस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से दुरुस्त हो जाता है। उसके बाद मुझे बिल्कुल इसके बाजू में यहाँ नंबर टाइप करना है, और नंबर टाइप करने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट करके, ये होम टैब है, यहाँ पर देखो मर्ज से मर्ज कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल सी करना है, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी करना है, और यहाँ बाजू में क्लिक करके कंट्रोल वी करना है। ये हो गया हमारा लेंथ के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हो गया हमारा विड्थ और ब्रेथ के लिए, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, ये हमारा हो गया हाइट और डेप्थ के लिए। अब ये सिलेक्शन को छोड़ने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा पेज बॉर्डर है ये उससे आगे जा रहा है, तो मुझे ये जो आखिर की चीज़ें हैं इसके बाद जो है क्वांटिटी लगती है, तो मैं यहाँ क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने आइटम नंबर लिखा है, डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा है, बाकी ये चीज़ों के लिए हमने ये चीज़ें की है। जो यूनिट इन्होंने आखिर में लिखा है हम इसके नीचे लिखेंगे, आखिर में नहीं लिखेंगे। अब मैं ये डायमेंशन टाइप कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ और सेल छोड़कर या कुछ ये जो रो हैं इनको छोड़कर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और देखो मैं एक टाइप किया यहाँ पर, और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक्स प्रेस करना है जो कि कैपिटल में रहेगा।
अब मैं ये दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये सिलेक्शन में छोड़ देता हूँ। अब आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं और इसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा। ये सिलेक्शन को मैं छोड़ देता हूँ इसके प्रेस करके। देखो यहाँ क्लिक गया मैंने और यहाँ पे मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ टाइप करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके ये होम टैब है, ये नंबर का पैनल है और देखिए यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देख एक डेसिमल बढ़ गया, दूसरा बढ़ गया और ये तीसरा बढ़ गया। अब उसके बाद मैं दोनों को क्लिक करूँगा। अब इसे क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि इसे सिलेक्शन करना है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे। ये सिलेक्शन छोड़ता हूँ मैं कीबोर्ड से इसके प्रेस करके। यहाँ क्लिक करके यहाँ पर बी ऑब्लिक डब्ल्यू करता हूँ मैं, ब्रेथ या विथ। उसके बाद देखो इसे भी कॉपी किया जा सकता है, इसे भी कॉपी किया जा सकता है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे और इस सिलेक्शन को छोड़ देंगे। तो जिसके लिए मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे एच ऑब्लिक डी, ऑब्लिक टी भी कर सकते हैं, थिकनेस भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए सफिशियंट है। यहाँ क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करके टैब की का इस्तेमाल करके दूसरे सेल में आ जाएंगे। अब ये देखिए ये जो है मेरा बी वाला सेल, इसे बड़ा करना है तो क्या करेंगे, देखो मेरा कर्सर किस तरीके से है, उसके बिल्कुल टॉप पर। अगर मैं माउस का बटन प्रेस करके इसे ड्रैग करूँ तो इसे बड़ा किया जा सकता है। माउस का बटन प्रेस करके उसे इस तरीके से कम भी किया जा सकता है। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखो मेरा कर्सर यहाँ बीच में किस तरीके से कॉर्नर पे कैसा हो जाता है और बीच में कैसा। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मेरा कर्सर कैसा है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये सी से लेकर एम तक, इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। कहीं भी देखो मेरा कर्सर लाता हूँ कॉर्नर पे तो इस तरीके से होता है, तो इसमें डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे दुरुस्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए मैंने ये जो फ़ोन लिया है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिंट कैसे आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पेज लोड पे क्लिक किया है और यहाँ पर देखो जो परसेंटेज मैं कम कर रहा हूँ, आपने जो फ़ोन लिया है उस हिसाब से आपको ये परसेंटेज चेंज करने होते हैं पेज लेआउट से, ताकि आपकी प्रिंट सही आए, आप 100% में काम कर सकते हैं। मेरा यहाँ 90% में अच्छी प्रिंट आती है, इसलिए मैंने इसे कम कर दिया। ये देखो मैं यहाँ पर ये जो बी का कॉलम है मेरा, यहाँ पे कर्सर है मेरा इसके कॉर्नर पे, और मैं इसको अगर इस तरीके से प्रेस करूँ तो देखिए मैं अपनी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मेरी यहाँ तक साइज़ हो चुकी है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरा माउस का कर्सर देखिए किस तरीके से है, मैं ड्रैग करता हूँ इस तरीके से तो ये सिलेक्ट होता है। ये होम टैब है, इसे बोल्ड किया जा सकता है। अब ये मेरा कर्सर देखिए बॉटम में किस तरीके से है, जैसे यहाँ होता है ना उसी तरीके से। मैं माउस का बटन प्रेस करके इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ये तीन बटन है, यहाँ पे तीन टूल है और यहाँ पे तीन टूल है। अगर देखो ये ऊपर वाले तीन पहले देखते हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखो ये टॉप पे अलाइन हो रहा है, ये सेंटर में अलाइन हो रहा है और ये बॉटम में अलाइन हो रहा है। तो मुझे सेंटर चाहिए इसलिए मैंने सेंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तीन है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखो ये सेंटर में होता है, ये राइट में अलाइन होता है और ये लेफ्ट में अलाइन होता है। देखिए मुझे सेंटर चाहिए तो मैंने सेंटर कर दिया। इसकी साइज़ यहाँ से कम की जा सकती है, ये अभी सिलेक्शन है, इसे फिक्स साइज़ भी दी जा सकती है। देखो ये फॉर्मेट है, यहाँ रो हाइट है, अगर मैं यहाँ टाइप करूँ 20 तो ये 20 के हिसाब से हो जाएगा। ये देखिए फ़ॉन्ट के ऊपर होम टैब है और ये फ़ॉन्ट है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर हैं, मनपसंद बॉर्डर दिया जा सकता है। अभी फ़िलहाल मैं ये बॉर्डर दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये आइटम नंबर के नीचे यहाँ पर मैं ये एक और सेल छोड़कर यहाँ टाइप करता हूँ एक या वन और टैब की का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखो ये राइट में अलाइन है, मुझे सेंटर में चाहिए तो यहाँ सेंटर में क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो गया हॉरिजेंटली। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने मुझे ये डिस्क्रिप्शन लाना होता है और उसके नीचे मुझे लाना होता है पीडब्ल्यूडी एसएसआर नंबर। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी SSR ऑफ, अभी जो SSR का सन है वो 2022 और 2023 है, जुलाई महीने में नया आ सकता है 2024-25 का। अभी देखिए मेरे पास ये है
PWD SSR ऑफ 2022-23। उसके बाद टाइप करना है हमें आइटम नंबर। तो हमारा आइटम नंबर जो है वो 50.54, तो हम इसे समझने के लिए बोलेंगे 50.54। इसे आप बोल्ड भी कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, इस तरीके से कलर किया जा सकता है, इस तरीके से बोल्ड किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम कलर भी निकाल देते हैं। देख, अब इस नंबर को मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन लाना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो एक ऊपर एरो है, नीचे एरो है और ये स्क्रॉल बार है हमारा। तो अगर मैं इसे प्रेस करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो देखो मैं इधर आता हूँ, ये करीब करीब में आ जाना है। माउस का व्हील भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके से। अगर आप आगे की तरफ करेंगे तो इस तरीके से आगे के नंबर की तरफ जाते हैं और इधर इंक्रीजिंग नंबर की तरफ आते हैं हम। या फिर आप ऐसा क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से एरोस की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे 50:54 चाहिए, तो 50:54 के करीब आना है पहले। देखिए ये नंबर है वो, तो इसमें देखो ये SSR नंबर होता है, ये डिस्क्रिप्शन होता है, ये एडिशनल स्पेसिफिकेशन है, ये यूनिट है और ये रेट है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें हमें लगती है। अभी देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन है, इसके सिलेक्शन करने के कई तरीके हैं। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ उसके बाद कंट्रोल ए करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ बॉटम में डबल क्लिक करूँ और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ टॉप पर एक सिंगल क्लिक करूँ तो ये सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ शुरुआत में और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ आखिर में क्लिक करूँ तो भी ये सिलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक करके उसे इस तरीके से ड्रैग किया जा सकता है, डबल क्लिक करके यहाँ देखो उसे इस तरीके से ड्रैग किया जा सकता है। डबल क्लिक करेंगे अगर आप और शिफ्ट प्रेस करके एरोस की का इस्तेमाल करेंगे तो भी ये सिलेक्शन होता है। या फिर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद एक साथ ट्रिपल क्लिक करेंगे तो भी ये सिलेक्शन होता है। या फिर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो भी सिलेक्शन होता है। आपको जो तरीका पसंद आए और सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है मुझे ये नंबर के सामने, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये होम टैब है और ये अलाइनमेंट का पैनल है। ये देखिए ये मर्ज, यहाँ पे रैप टैक्स, उसके बाजू में देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है लॉन्चर बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ये सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं या ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं, ये बॉटम पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ये एरो पे क्लिक कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से जस्टिफाई लेना है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे चाहिए टॉप, ये दोनों सिलेक्शन करने के बाद ओके करना है तो ये दुरुस्त हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो ये वर्टिकली काम करता है, यहाँ क्लिक करेंगे ये टॉप हो जाता है। उसके बाद देखिए ये डायमेंशन टाइप करना है मुझे जो एस्टिमेट में दिया हुआ है ये, तो ये डायमेंशन टाइप कैसे किया जाता है देखिए। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, एक टाइप करके टैब की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक टाइप करके जो मेरा कीबोर्ड है उसका टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लेंथ टाइप करना है तो 93 मीटर है, तो देखो 93 टाइप किया मैंने, यहाँ दिखाई देता है आपको। टैब की का इस्तेमाल करूँगा मैं और यहाँ पर मुझे 4 मीटर टाइप करना है तो यहाँ 4 टाइप करूँगा, यहाँ पे देखो दिखाई देता है आपको। टैब की का मैं इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये 93 भी टाइप हो गया, 4 भी टाइप हो गया, यहाँ पे 0.15 है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करना है 0.15। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देता है और टैब की का इस्तेमाल करके मैं यहाँ आता हूँ। जब मैंने ये डायमेंशन टाइप किए तो देखो ये मेरा जो बॉर्डर था उससे बाहर चला गया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा प्रेस करके कम कर दूँगा। ये मैंने दुरुस्त कर लिया है। अब देखिए इनका कैलकुलेशन रहता है यहाँ पर, ये सबका कैलकुलेशन रहता है यहाँ पर। तो देखो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कीबोर्ड से इक्वल टाइप करना है, उसके बाद PR टाइप कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करेंगे हम और देखिए ये जो मेरा C कॉलम है यहाँ से लेकर ये K के कॉलम तक मुझे डायमेंशन लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ क्लिक करूँगा,
शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर दूंगा और एक इंटर कर दूंगा। उसके बाद देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मेरा होम टैब है, ये मेरा नंबर का पैनल है, और जैसे ही मैं कर्सर यहाँ लाता हूँ, मेरा पॉइंटर यहाँ लाता हूँ, इनक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मुझे मिलता है। एक क्लिक करेंगे, देखो 2 डेसिमल तक ये हो चुका है। अगर मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूँ तो देखो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, यहाँ भी काम कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ मैं इक्वल के बाजू में क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद ROU टाइप करता हूँ, इस राउंड पे डबल क्लिक करता हूँ, और आखिर में यहाँ क्लिक करके comma 2 करता हूँ। इसे क्लोज़ करना होता है ब्रैकेट को, अगर मैंने क्लोज़ नहीं किया तो क्या होता है, देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आया। तो इसके 2 चीज़ें हो सकती है सॉल्यूशन की, एक तो यस कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से इंटर कर दीजिए। तो कीबोर्ड से मैं इंटर करता हूँ, ये दुरुस्त हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ हो जाता है। उसके बाद हमें इसकी टोटल करना होती है, तो यहाँ पर देखिए ये सेल छोड़कर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इस ऑटो सम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये होम टैब है और यहाँ पर देखिए एडिटिंग का ये पैनल है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखो ये सिलेक्शन हो चुका है, इंटर करना है। अब मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ काम कर सकूँगा, और अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो मैं यहाँ भी काम कर सकूँगा। इक्वल के बाजू में मेरा कर्सर है, देखिए क्लिक किया मैंने, ROU टाइप करता हूँ, इस राउंड पे डबल क्लिक करता हूँ, आखिर में क्लिक करता हूँ और comma 2 करता हूँ। देखो मैंने इसे क्लोज़ नहीं किया और इंटर कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आता है। एक और इंटर किया जा सकता है या फिर ओके करेंगे तो ये दुरुस्त हो जाता है। इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, और मेरा कर्सर देखिए कैसा है, इसे ड्रैग करके मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये होम टैब है, ये फ़ोन का पैनल है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और ये टॉप एंड डबल बॉटम का बॉर्डर ले रहा हूँ, कोई भी लिया जा सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये जो मेरा सी का कॉलम है, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं और टाइप करता हूँ टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं है, आप कैपिटल लिख सकते हैं और रेगुलर फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं। देखो इन्होंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको जो पसंद हो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और देखो मेरा माउस का कर्सर किस तरीके से है, मेरा पॉइंटर किस तरीके से है, और देखो यहाँ से जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इक्वल से पहले पहले सिलेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर मर्ज, रैप टैक्स, बोल्ड, और देखो ये हॉरिजेंटली अलाइन होता है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से मेरे ये आइटम नंबर जो 1 है, देखो ये कंप्लीट हो रहा है। अब मुझे सिर्फ यहाँ यूनिट टाइप करना है, तो देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और CU, एक डॉट लगाता हूँ, M और डॉट लगाता हूँ। अब देखिए ये टेक्स्ट होने की वजह से लेफ्ट में अलाइन है, मुझे चाहिए राइट में, तो देखो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये राइट में अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये मेरा पहला सेल है, ये मेरा पहला सेल है, तो क्या होता है ये देखिए यहाँ पर नेम ऑफ वर्क है, यहाँ पे अगर इसे सिलेक्ट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है तो कॉपी करेंगे या फिर टाइप कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे तरीके से सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो कॉपी का ऑप्शन है, Ctrl+C भी किया जा सकता है या क्लिक करेंगे, और ये देखिए पहला जो है मेरा ये A1 का सेल, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और Ctrl+V कर देंगे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके देखो ये जो क्वांटिटी के ऊपर का मेरा कॉलम है, एम वाला कॉलम, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, मर्ज, देखो रैप टैक्स ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखो वर्टिकली काम करते थे, इसको वर्टिकली सेंटर में कर देंगे, ये बोल्ड करता है, इसे बोल्ड कर देंगे, और मेरा कर्सर देखिए बॉटम में कैसा है, इसकी साइज़ इस तरीके से छोटी की जा सकती है, इसे आप फिक्स साइज़ भी दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ CC रोड, तो यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, और ये CC से पहले देखो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड कर दिया हमने टाइप। और यहाँ पे देखिए ये किस घर से किस घर तक काम होना है, तो वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो दुरुस्ती कर लेते थोड़ा,
यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे क्लिक करके मैं कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे देखिए तालों का बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे ये भी दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसे सेंटर में कर दिया है मैंने। इसे इस क्लिक करने के बाद देखो आपको जो पसंद है वो बॉर्डर लिया जा सकता है। फिलहाल मैं देखो टॉप एंड बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। आपने एक चीज़ याद रखना है, आप नेम ऑफ वर्क अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। जो डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रेक्टर नाम देते हैं उनकी लिस्ट के मुताबिक वही नाम डालना होता है। अब देखिए ये मेरा पहला था, अब यहाँ दूसरे सेल पर मैं ये देखो ये मेज़रमेंट है, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करता हूँ और बिल्कुल ये तीसरा सेल है मेरा A3 का। यहाँ डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, एक स्पेस देके यहाँ पे शीट टाइप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो कहीं भी क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करके उसके बिल्कुल सामने यहाँ क्लिक करना है, मर्ज रैप टैक्स बोल्ड। यहाँ पर देखिए उसकी साइज़ बढ़ाई जा सकती है, यहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करके उसे बॉर्डर दिया जा सकता है, जो आपको पसंद है बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा से मेरा 3 है, मुझे 1 की ज़रूरत है। मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिलीट शीट ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये मेज़रमेंट शीट हमने तैयार किया पहला आइटम। एक तरीका तो यह हुआ इसका काम करने का। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल पी कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए इसका मुझे PDF कन्वर्ट करना है या फिर मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे PDF करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं PDF का जो भी प्रिंटर है वो लिया जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्लिक करना है, इसे मैं मेज़रमेंट 01 करके M01 करके उसका फाइल का नाम दिया। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और इस सेव बटन पे सिंगल क्लिक करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ और शो द डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए हमने जो अभी पहला आइटम तैयार किया वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आउट हो रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो जूम इन होता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट होता है। अभी एक दूसरा तरीका ये है, देखो जैसे इन्होंने तैयार किया है आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने इसे सिलेक्शन किया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मर्ज पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो ये बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं जस्टिफाई करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी टॉप है नहीं है तो यहाँ क्लिक करके टॉप करता हूँ और ओके करेंगे। इसकी साइज़ देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये सेव हो जाता है। कंट्रोल पी करता हूँ मैं, यहाँ पर PDF का प्रिंटर लेना है। यहाँ पर प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं तो देखिए इसका PDF कन्वर्ट होता है। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ क्लिक करता हूँ और एक क्लिक करके यहाँ पर 2 करता हूँ। इसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, ये डेस्कटॉप है और ये सेव बटन है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ये मेरी दूसरी PDF है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं देखो जूम आउट करता हूँ, वो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखो ज़्यादा गैप आ रहा है तो यहाँ उसका गैप कम किया जा सकता है इस तरीके से थोड़ा। अब देखिए ये अच्छा नहीं लगता है तो एक तीसरा तरीका और बताते हैं। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, उसका मर्ज निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इक्वल है वहाँ तक क्लिक किया है मैंने, मर्ज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे बॉक्स पर, यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टॉप है, ओके करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, इसे सेव करने के लिए कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंटर लेंगे और प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, PDF करना हो तो यहाँ PDF का प्रिंटर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक क्लिक करना है और एक क्लिक करना है और इसको एडिट किया जा सकता है। अब देखो डेस्कटॉप पे सेव करना है तो यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ,
डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ डबल क्लिक करके इसे ओपन कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो, पहली कॉपी आप ऐसा भी बना सकते हैं, दूसरी कॉपी जो इन्होंने बनाया इस तरीके से, और तीसरी कॉपी इस तरीके से, यहाँ तक कि आप इसे और कम भी कर सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप ऐसा बनाइए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप ऐसा बनाइए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप ऐसा बनाइए। आपके इलाके में आप जहाँ काम करना चाहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जिस तरीके से चलता है आप काम कीजिए। तो